SDPO द्वारा लोगों से शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्वक सरकार द्वारा दिए दिशा निर्देश का पालन करते हुए सरहुल एवं रामनवमी पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने लोगों को रामनवमी एवं प्रकृति पर्व सरहुल की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामनवमी जुलूस में अधिकतम 100 एवं स्थित अखाड़ा में अधिकतम 1000 लोगों की उपस्थिति में मास्क पहनकर रामनवमी मनाने, डीजे नहीं बजाने, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने, शाम 6 बजे तक जुलूस खत्म करने, रामनवमी एवं सरहुल कमेटी के द्वारा विधि व्यवस्था हेतु वॉलेंटियर रखने एवं इसकी सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराने की बात कही गई। साथ ही सभी रामनवमी कमेटियों को लाइसेंस लेने की बात भी कही गई। हर साल की भांति इस वर्ष भी सरहुल और रामनवमी और रमजान गुड फ्राइडे का त्यौहार साथ साथ हो रहा है। मैं यहाँ गुमला जिला परिषद होने के नाते मैं लोगों को एक अच्छा संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना काल में हम लोग इस त्यौहार से पूरी तरह से वंचित थे, इस त्यौहार को हम लोग नहीं मना पाए थे और इस बार हम लोगों के अंदर एक उत्साह है, सभी के अंदर एक खुशी का माहौल है और हम लोग का सरहुल और रामनवमी इस बार बड़ी धूमधाम से मनेगा और हम लोग अंदर ही अंदर तैयारी भी कर रहे हैं और सबों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सरहुल हमारा प्राकृतिक का त्यौहार है और हम लोग जिस तरह प्राकृतिक पूजा किए हैं और माँ चाला गांव प्रखंड जिला को संभाल के रखे हैं, ऐसा हमारा मान्यता है। तो मैं सबों को शुभकामना देती हूँ और माँ चाला से मैं प्रार्थना करती हूँ कि शीशई वासी गुमला वासी के लोग शांति ढंग से रहें, इस त्यौहार को अच्छा ढंग से मनाएं, रामनवमी और सरहुल को, यही मैं संदेश देना चाहती हूँ और सभी लोग ये खुशी से मनाएं और बढ़िया शांति ढंग से बीते, यहाँ किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद ना, तो यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। सबों को सरहुल की और रामनवमी की, गुड फ्राइडे की, रमजान की, पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना बधाई देती हूँ। शिशु धारा के प्रांगण में रामनवमी, सरहुल, रमजान और गुड फ्राइडे को लेकर चारों समुदाय को लेकर यहाँ मीटिंग की गई, शांति समिति बैठक बैठाया गया जिस पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए, जिसमें हमारे BDO मैडम, CO मैडम, पुलिस अधीक्षक बसिया अंचल, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष मैम सब उपस्थित हुए और हम लोगों ने सभी लोग आपस में बैठ कर सरकार के दिए गए गाइडलाइंस को पालन करने और शांतिपूर्वक माहौल में इस पर्व, इस चारों पर्व को मनाने के लिए हम लोगों ने एक है और हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूर्व की भांति इस साल भी सभी शांतिपूर्वक और भाईचारे के रूप में ये चारों पर्व को मनाएंगे और सरकार के गाइडलाइन को पालन करेंगे। हम अपने सिसई के सभी पंचायत के और सिसई शहर के वासियों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो पूर्व में सरकार के दिए गए हमारे गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, भाईचारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस चारों पर्व के एक महान पर्व को भाईचारे को मनाएं और किसी प्रकार का कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया से दूर रहें। कोई भी अगर अफवाह, अगर सोशल मीडिया में कोई किसी प्रकार का मैसेज आता है उसका पहले सत्यापन करें, थाना को खबर करें, उस गलत मैसेज को किसी के फॉरवर्ड ना करें, जिससे आप कानून की अगर आप करते हैं तो आप एक अपराध की शाखा में गिनती होगी और आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।